हेलो गाइस, होप सब सब लोग ठीक होंगे एंड मजे में होंगे। आज की वीडियो में आया है नया पार्सल जिसमें है एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर मिनी पीसी जो बिल्कुल पाम हैंड साइज में रहने वाला है। फिर से इस वाले जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी एक खास बात है, इस पे विंडोज रन कर सकते हो आप। तो बिना किसी देरी के जल्दी से मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे इसमें विंडोज चलेगा और उबंटू भी ये सपोर्ट करता है। वीडियो में जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, आपको आगे की वीडियोज में जल्दी से दिखाता हूँ मैं इसमें विंडोज कैसे चलाना है, उबंटू कैसे चलाना है और ये क्या क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप कोर के बारे में नहीं जानते तो कोर कुछ इस तरीके से दिखता है। ये कोर है, अभी ये करंटली इंटेल i5 का सीपीयू है। ये आप खरीद सकते हो, ये कोर की चेन। मेरे को इंस्टा पे मेरे डीएम करना, ऊपर कहीं मेरे इंस्टा की यहाँ पे आईडी कहीं लगी होगी, सो वहां से मेरे को डीएम करना, वहां पे जाके वहां से आप इसको खरीद सकते हो। अभी सिर्फ 350 रुपीज का मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। रियल इंटेल का सीपीयू है, देख सकते हो बैक में गोल्ड लगा हुआ है सारा। तो इसको खरीद सकते हो, इसको कंसिडर कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज में। आपको अभी मैं करेंटली प्रोवाइड करा रहा हूँ। हाँ जी, तो कुछ इस तरीके के बॉक्स में ये रिसीव हुआ है। ब्रांड का नाम है, ये है पॉली एक्स नाम से, इनका जो ब्रांड है मतलब कंपनी है वो है ये पॉली एक्स कंपनी की तरफ से है। और जो अभी मैं आपको मॉडल दिखा रहा हूँ उसका नाम है डेबिक्स मॉडल ए। तो डेबिक्स इनकी एक SBC सीरीज है बेसिकली। तो जल्दी से मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो जल्दी से मैं खोलता हूँ, बाकी चीजें रखते हैं साइड में। और मेन बॉक्स जो है कुछ इस तरीके का ये बॉक्स रहने वाला है, कुछ ऐसा वाला ये बॉक्स रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डेबिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे डेबिक्स मॉडल ए। मॉडल बी भी आता है इनका, पर अभी जो मेरे पास करंटली है ये मॉडल ए है। 8 GB LPDDR4 प्लस 64 GB ऑफ EMMC स्टोरेज, मतलब 8 GB की इसमें रैम मिल जाएगी और 64 GB की स्टोरेज मिल जाएगी। ऑन द बैक साइड आप यहाँ पे देख सकते हो डेबिक्स मॉडल A/B। डेबिक्स मॉडल ए और बी का थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन वगैरह सेम ही रहने वाला है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। जैसे एक HDMI पोर्ट, माइक्रोफोन के लिए हेडफोन जैक मिल जाएगा, 2.4 और 5 GHz के वाईफाई मिल जाएंगे, 4 USB 3.0 के पोर्ट्स। ये मुझे इनकी अच्छी बात लगी, 4 USB 3.0 के पोर्ट देते हैं लोग। गीगाबिट पोर्ट मिल जाएगा, ब्लूटूथ 5.0 मिल जाएगा, पावर ओवर इथरनेट भी मिल जाएगा, POE का भी पोर्ट मिल जाएगा, पर उसके लिए इनका एक अलग से मॉड्यूल आता है वो लगाना पड़ेगा। बाकी 5 वोल्ट एट 3 एम्पेयर की पावर सप्लाई इनको देनी है, इसको देनी है। तो जल्दी से बॉक्स को मैं ओपन करता हूँ और आपको जल्दी से बताऊँ क्या क्या मिलता है। कुछ इस तरीके के पैकेट में आए हैं, जल्दी से पैकेट को हूँ और आपको दिखाते हैं कैसा है। काफी कॉम्पैक्ट साइज है, काफी ज्यादा, मुझे तो इवन ये रेसबेरी पाई से भी थोड़ा सा छोटा सा ही लग रहा है। बट हाँ, रेसबेरी पाई वाला ही कॉम्पैक्ट रहने वाला है, बिल्कुल छोटा सा ही बोर्ड रहने वाला है। ये बीच में आप इसका प्रोसेसर देख सकते हो, यहाँ पे EMMC लगी हुई है, यहाँ पे रैम लगी हुई है। ऑन द बैक साइड वगैरह आप देख सकते हो। आपको जल्दी से स्पेसिफिकेशन देता हूँ इसमें आपको क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे आपको ओवरऑल यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन देता हूँ ये क्या क्या चीजें इसमें मिल रही है। 4 USB पोर्ट मिल जाएंगे, चारों के चारों आपको USB 3.0 को मिलेंगे और यहाँ पे आपको एक इथरनेट का पोर्ट मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको ये वाले GPIO पिन्स मिल जाएंगे और ये जो इसके आगे वाले आपको ये वाली पिन्स दिख रही है ये इनके मॉड्यूल्स वगैरह कनेक्ट करने के लिए, GPIO से भी मॉड्यूल्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। ऑन द नेक्स्ट साइड यहाँ पे 2 बटन्स है जो कि एक रहने वाला है, एक है पावर ऑन करने के लिए, एक है रीसेट बटन। तो ये दोनों बटन रहने वाले हैं यहाँ पे। एक छोटा सा यहाँ पे मुझे एक लैच दिख रहा है, लैच के साथ मुझे यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड लगाने की जगह दिख रही है। ये लैच क्या है मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। आई गेस ये इसका जो एक्सटेंशन पोर्ट्स वगैरह आते हैं उनको अटैच करने के लिए रहने वाला है ये। ये छोटा सा अगर आपको वीडियो में शो हो रहा हो तो ऐसे कुछ खुल रही है, तो वो रिबन केबल के थ्रू अपना जो इनके जो एक्सटेंशन पोर्ट्स वगैरह आते हैं वो अटैच हो जाएंगे। ऑन द नेक्स्ट साइड यहाँ पे आपको 2 USB के पोर्ट्स मिल रहे हैं, USB टाइप सी रहने वाले हैं दोनों। एक से पावर इन होगा, एक है OTG, ये OTG के लिए हो गया। यहाँ पे फुल साइज HDMI मिल रहा है, कोई मिनी या माइक्रो HDMI नहीं है। बाकी यहाँ पे 3.5 mm का हेडफोन जैक मिल जाएगा ऑक्स वाला। बाकी ऑन द फ्रंट साइड आपको मैंने बताया जैसे कि ये प्रोसेसर रहने वाला है, ये EMMC स्टोरेज हो गई, ये वाईफाई मॉड्यूल हो गया और ये रैम हो गई। तो जल्दी से आपको इसकी डीप टाइप स्पेसिफिकेशन जल्दी से प्रोवाइड करता हूँ कि कैसा प्रोसेसर मिलता है, क्या प्रोसेसर का नाम वगैरह है। तो ऑन द CPU साइड आपको मिलता है NXP i.MX8M+ करके एक CPU है। ये CPU ये जो आपको दिख रहा है ये वाला सीपीयू है जो कि कॉर्टेक्स के आर्म A53 पे है। 4 कोर रहने वाले हैं इसके और ये NPU के साथ आता है। इसकी जो NPU है वो है 2.3 टॉप्स। NPU क्या होता है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए होता है बेसिकली।
AI ML के काम के लिए होता है बेसिकली। ये इसमें डेडिकेटेड डाल रखे हैं NPU प्रोसेसर्स, तो वो 2.3 टॉप्स, टॉप्स का मतलब होता है 2.3 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड। तो ये 2.3 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड कर पाएगा अप टू। एंड इंडस्ट्रियल ग्रेड सीपीयू है जो कि 1.8 GHz पे रहने वाला है। नहीं, इंडस्ट्रियल ग्रेड जो इनका आता है वो अलग आता है, वो 1.6 पे रहता है। और इंडस्ट्रियल ग्रेड के अलावा ये कमर्शियल ग्रेड वाला है जो अभी मेरे पास है वो 1.8 GHz पे है। सो ओवरऑल ये जो सीपीयू है वो 1.8 GHz पे आपको मिलेगा। सीपीयू का नाम है NXP IMX8M+ करके। ऑन द मेमोरी साइड मैं आपको बता देता हूँ, 2 GB, 4 GB और 8 GB, ये तीन आपको रैम वेरिएंट मिलेंगे। और जो अभी मेरे पास है वो 8 GB रैम वाला प्रोसेसर, 8 GB रैम के साथ आया हुआ है जो कि DDR4 पे है। LPDDR4 पे रहने वाली है इसकी रैम। ऑन द स्टोरेज साइड आते हैं तो माइक्रो एसडी कार्ड से आप इसकी स्टोरेज डाल सकते हो। बाकी EMMC आती है, EMMC आपकी शुरू हो जाएगी 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB। तो ये कुछ 5-6 आपको EMMC स्टोरेज के ऑप्शंस मिलते हैं इसमें। जो अभी करंटली मेरे पास है वो 64 GB EMMC के साथ है, तो आप इसको अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो। गिगाबिट पोर्ट मिलता है यहाँ पे इथरनेट का, वाईफाई ब्लूटूथ आपको मिल जाएगा यहाँ पे, 2.4 और 5 GHz दोनों ही मिलेंगे इसमें। एंड 4 USB पोर्ट्स मैंने एज आपको बताया, 4 USB पोर्ट्स मिल जाएंगे। ऑडियो के लिए आपको मिल जाएगा, HDMI मिल जाएगा। बाकी एक्सपेंशन पोर्ट मैं आपको बता देता हूँ, 40 GPIO पे, इनमें डुअल रो में है ये 40 GPIO हेडर्स। तो इनपे आप अपने इनके जो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह आते हैं वो अटैच कर सकते हो। इनका मॉड्यूल आता है लॉरा करके, लॉन्ग रेंज रेडियो करके एक मॉड्यूल आता है, वो लगा सकते हैं। एंड और भी 4G SIM का एक मॉड्यूल आता है, वो सब मॉड्यूल वगैरह आप इस पे अटैच कर सकते हो। ऑन द टॉप हार्डवेयर ऑन टॉप बोलते हैं उनको। और नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, LVDS केबल मिल जाएगा, MIPI, CSI, DSI कनेक्टर, ये दोनों आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। पावर सप्लाई मैं आपको बताता हूँ, 5 वोल्ट 3 एम्पीयर टाइप सी के थ्रू, ये वाला जो टाइप सी है लेफ्ट कॉर्नर में उससे आपको करना है। बाकी इसका जो साइज है वो है 85 mm, 8.5 सेंटीमीटर बाय 5.6 सेंटीमीटर, तो ये कुछ हाइट रहने वाली है इसकी। और जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो -20 से लेके 70 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, मतलब आप इसको इतने में यूज कर सकते हो। ये ओवरऑल कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन रहने वाली है, एक अच्छे से आप अच्छे से देख लो एक बार, ये कैसा दिखता है ये बोर्ड। काफी सुंदर बोर्ड है, ब्लैक कलर में आता है। एंड स्पेसिफिकेशन वाइज भी इट्स हाँ, अगर आपको AI ML के काम करने हैं और एम्बेडेड कंप्यूटिंग वगैरह में यूज करना है तो आप इसको डेफिनेटली कर सकते हो। अपने कुछ प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि GPIO और हेडर पिंस काफी सारे मिलते हैं। उसके साथ ऊपर से भी मॉड्यूल लगा सकते हो, जैसे 4G मॉड्यूल हो गया, लॉरा, मैंने जैसे बताया लॉरा लॉन्ग रेंज रेडियो करके एक मॉड्यूल आता है वो भी लगा सकते हो। काफी सारे अदर मॉड्यूल्स भी आते हैं इनकी तरफ से, वो आप इनपे इस पे यूज कर सकते हो। ओवरऑल ये कुछ रहने वाला है। एंड काफी कॉम्पैक्ट सा ये रहने वाला है, देखो बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा ये बोर्ड रहने वाला है। जल्दी से आपको इनकी वेबसाइट और दिखा दूं, उसके बाद इसको जल्दी से चला के देखेंगे कि इसमें क्या क्या करेंटली इस EMMC में आपको क्या चीज मिलता है, इसको चला के देखेंगे। और इसमें अभी विंडोज भी चलानी है, तो विंडोज भी इसमें आज की वीडियो में चलाने वाला हूँ। तो जल्दी से मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इनकी ये कुछ डेबिक्स की वेबसाइट रहने वाली है, यहाँ पे देख सकते हो डेबिक्स लिखा हुआ है। ओवरऑल ये कुछ वेबसाइट रहने वाली है, जल्दी से मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा दूं, ये ओवरव्यू देख सकते हो। डेबिक्स मॉडल इंडस्ट्रियल ग्रेड सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, इंडस्ट्रियल ग्रेड सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है तो मतलब लाइफ भी इस बोर्ड की अराउंड अराउंड 10 to 15 ईयर्स तो कहीं नहीं जा रही, आराम से इसकी 10 to 15 ईयर्स तक की लाइफ रहने वाली है, आराम से यूज कर सकते हो आप। मेन फीचर्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, पावरफुल परफॉर्मेंस है, क्वाड कोर का एक CPU लगा हुआ है, 1.8 GHz पे 8 GB की रैम है, ये सब है। बाकी ये स्पेसिफिकेशन आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज करके अगर पढ़ना चाहो तो। बाकी अगर खरीदना है तो यहाँ पे आप अपने कंट्री कंट्री के हिसाब से, अगर आप कौन सी कंट्री में, अभी जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं इंडिया के हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करके, अगर आप बांग्लादेश में रहते हो, नेपाल में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, तो अपने हिसाब से इसमें कंट्री सेलेक्ट करके खरीद सकते हो। यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो पॉलीहेक्स मॉडल ए करेंटली अभी मिल रहा है 12,500 प्लस GST लगाने के बाद, आप लगा लो कि 14,000 रुपये का आपको ये मिल जाएगा पॉलीहेक्स डेबिक्स मॉडल ए का बोर्ड। और इसके जो एक्सपेंशन पोर्ट्स वगैरह है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, वो सारे बोर्ड्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं, देखो जैसे कैमरा का है और भी यहाँ पे भी देखो सारे कैमरा वाले हैं, 4G वाला देख लो यहाँ पे 4G वाला है, तो मतलब यहाँ पे आप इनके जो एक्सटेंशन बोर्ड्स वगैरह है वो भी ले सकते हो। RS करके एक वेबसाइट है ये, वहां से। तो चलो बिना किसी देरी के जल्दी से आपको इसको रन, इसमें जल्दी से कनेक्शन करता हूँ मैं, HDMI पोर्ट लगाता हूँ, जल्दी से कीबोर्ड लगाता हूँ,
कीबोर्ड एंड माइस माउस लगाता हूँ, पावर इन करता हूँ और आपको वीडियो में आगे बढ़ के दिखाते हैं क्या क्या आपको मिलता है इसके अंदर। अगर आप कोई भी सिंगल बोर्ड कंप्यूटर यूज करते हो, जैसे कि अभी देखो इसमें कोई भी हीट सिंक वगैरह नहीं लगा हुआ है, अगर मैं डायरेक्ट इसको चलाऊंगा तो ये ओवरहीट करेगा ही करेगा और इवेंचुअली वो उस प्रोसेसर को डैमेज करेगा। तो जब भी आप कोई सिंगल बोर्ड कंप्यूटर यूज करो तो एक छोटा सा ऐसा कोई हीट सिंक लगा लो या थोड़ा बड़ा हीट सिंक लगा लो और फैन के साथ यूज करो, क्योंकि ये हीट करते हैं। और विदाउट मैं हीट सिंक आपको प्रेफर नहीं करता कि आप चलाओ, क्योंकि वो एट द एंड आपके प्रोसेसर को डैमेज करता है। तो जल्दी से मैं ये हीट सिंक लगाता हूँ इस पे, इसको जल्दी से टर्न ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये बोर्ड कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे डिस्प्ले भी आ गई। तो यहाँ पे मैंने ओवरऑल बोर्ड कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे मैंने पावर बैंक से सप्लाई दिया है क्योंकि ये पावर बैंक पीडी सपोर्ट करता है, 5 वोल्ट 3 एम्पीयर आराम से दे देगा। तो यहाँ पे रेड लाइट जल चुकी है, ये वाले पोर्ट से पावर देना है। यहाँ पे मैंने एक HDMI लगा दिया है, बाकी एक डोंगल लगा दिया है माउस एंड कीबोर्ड के लिए। तो ओवरऑल एक सेटअप होने वाला है, बाकी हीट सिंक भी ऐड कर दिया मैंने इसमें। तो डिस्प्ले आ चुकी है, ये देख सकते हो, ये कुछ डिस्प्ले रहने वाली है। अभी जो करेंटली इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है वो है उबुंटू, तो ये उबुंटू इसमें पहले से डला हुआ है। तो जल्दी से इसको उबुंटू को चलाते हैं और आपको चीजें इसमें दिखाता हूँ कैसे कैसे है। ये कुछ इंटरफेस रहने वाला है उबुंटू का, यहाँ पे आपको टास्क बार मिल जाएगा चीजें कंट्रोल करने के लिए, ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए एंड और चीजें कनेक्ट कंट्रोल करने के लिए। तो एंड यहाँ पे आपको एक ऐप ड्रॉअर मिल जाएगा, यहाँ पे ये कुछ ऐप ड्रॉअर मिल जाएगा। उबुंटू का तो आपको बताइए, उबुंटू अच्छे खासे कस्टमाइज हो जाती है। सो ओवरऑल ये कुछ रहने वाला है। जल्दी से मैं कुछ यूट्यूब वीडियो चलाता हूँ इसमें, और यहाँ पे आप देख सकते हो डेबिक्स वाईफाई AP करके एक एप्लीकेशन डली हुई है, पहले से डेबिक्स ऑन बोर्ड करके भी डली हुई है। तो कुछ डेबिक्स के भी मतलब इनके खुद के भी कुछ कुछ एप्लीकेशन वगैरह इसमें डल के आई हुई है। इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दूंगा, आपको दिख रहा हूँ। हाँ तो ये कुछ ओवरऑल है। तो जल्दी से अभी मैं इसमें वीडियोस चलाता हूँ कुछ और टेम्परेचर सेंसिंग करते हैं थोड़ा सा इसमें, और देखते हैं कितना भी पावरफुल बोर्ड रहने वाला है। थोड़ा सा जल्दी से हल्का फुल्का टेस्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप ये सारी सिस्टम इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, लिनक्स डला हुआ है इसमें, अभी डेबिक्स का मॉडल है उबुंटू 20.4.0 करके उबुंटू डाला हुआ है इसमें करेंटली। और जल्दी से आपको प्रोसेसर बता देता हूँ, प्रोसेसर एंड हाँ प्रोसेसर मैंने आपको 1.8 GHz बताया था, बट ये जो करेंटली मेरे पास है 1.6 GHz पे क्लॉक्ड वाला है, ये इंडस्ट्रियल ग्रेड वाला है, मेरे पास कमर्शियल ग्रेड वाला ये वाला नहीं है। तो ये 1.6 GHz वाले पे है। तो यहाँ पे चार कोर्स देख सकते हो, चारों 1.6 GHz पे 1600 MHz पे सेट हो रखे हैं। थोड़ा सा नीचे आऊँ मैं मेमोरी की तरफ, तो मेमोरी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 8 GB की मेमोरी लगी हुई है। बाकी ये कुछ PCIe डिवाइसेस वगैरह आपको दिखा सकता हूँ। अभी टेम्परेचर में दिखा देता हूँ, करंटली इसका टेम्परेचर कितना जा रहा है। तो करंटली भी टेम्परेचर है इसका 71-74 के अराउंड 71-74 के अराउंड चल रहा है। करंटली मैं सारा सिस्टम अपडेट कर रहा हूँ ताकि अच्छे से इसका परफॉर्मेंस निकल के आए, जल्दी से अपग्रेड करता हूँ और फिर आपको जल्दी से इसमें कुछ यूट्यूब वीडियोज वगैरह चला के दिखाता हूँ कितना टेम्परेचर हाइक जा रहा है, कितनी स्टेबल वीडियोज वगैरह चल रही है। और तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इस बोर्ड को अच्छे से अपग्रेड वगैरह कर दिया है और पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। जब मैं इसको पहली बार चलाया था फर्स्ट टाइम तो थोड़ा सा लैगी था, बट अपग्रेड करने के बाद बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो चल रही है यूट्यूब वाली, तो यहाँ पे देख सकते हो 1500 फ्रेम पे 500 फ्रेम अराउंड अराउंड ड्रॉप कर रहा है। और टेम्परेचर यहाँ पे देख सकते हो अप टू 83 तक जा रहा है, 82-83 जा रहा है टेम्परेचर वाइज, थोड़ा सा जा रहा है। बल्कि मैंने छोटा सा हीट सिंक लगा रखा है तब भी 83 जा रहे हैं देखो। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप हीट सिंक जरूर लगा के यूज करना, कोई भी सिंगल बोर्ड कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो हीट सिंक लगा के जरूर यूज करना। यहाँ पे आप देख सकते हो कोर दिख रहा है, कोर को फॉरगेट मत करना, कोर बहुत मस्त चीज है। यहाँ पे देखो अभी मैंने करंटली यहाँ पे चिपका रखा है इसको, एंड ऐसे आप इसको फ्रिज पे भी चिपका सकते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगा रखा है। तो इसको जाके चेकआउट जरूर करना, सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज में फ्री होम डिलीवरी के साथ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हो टेम्परेचर वगैरह, यहाँ पे देख सकते हो वीडियो, अगर अभी मैं करंटली इसको 1080p पे चला रहा हूँ, जैसे मैं इसको 720 या 480 पे करूंगा तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, कोई फ्रेम ड्रॉप भी नहीं आता इतना। सो इसकी जो अच्छे से बिल्कुल जो होती है ना परफॉर्मेंस वाली वीडियो, तो मैं नेक्स्ट कभी आगे किसी वीडियो में अच्छे से इसको परफॉर्मेंस अभी टेस्ट करूंगा, टेस्ट करने के बाद आपको अच्छे से इसका परफॉर्मेंस वीडियो दूंगा बहुत अच्छे वाला। बाकी वीडियोस वगैरह स्मूथ चल रही है, करेंटली इसको 1080p पे चला रहा हूँ तभी इतना लैग मार रहा है। एंड टेम्परेचर भी आप देख सकते हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा चला गया तभी ये परफॉर्मेंस की डाउन हो चुकी है। तो जल्दी से अभी इसमें मैं इसमें विंडोज डालता हूँ और विंडोज चला के आपको दिखाता हूँ कि विंडोज में आपको क्या क्या परफॉर्मेंस वगैरह मिलेगी, क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे विंडोज में, फुल फ्लेज विंडोज रहने वाली है, कैसी विंडोज रहने वाली है। वैसे तो फुल फ्लेज नहीं रहने वाली, विंडोज IoT वर्जन जाएगा इसके ऊपर। तो जल्दी से विंडोज IoT वर्जन इसके ऊपर डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ विंडोज वगैरह कैसे चलेगी इसमें।
तो विंडोज इंस्टॉल कैसे करनी है मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो डेविक्स की मैं वेबसाइट पे आ गई हूँ। डेविक्स की वेबसाइट भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको अवेलेबल मिल जाएगी। एंड आपको एक बार हार्डवेयर्स दिखा देता हूँ इनके, कौन कौन से हार्डवेयर्स वगैरह आते हैं। डेविक्स से कंप्यूटर्स आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से कंप्यूटर्स वगैरह यहाँ पे हैं, लिस्टेड हैं। डेविक्स मॉडल ए है, डेविक्स टॉम करके एक है, ये एक अपना जो मैंने आपको दिखाया है रेसबेरी पाई का CM4, तो कंप्यूटर मॉड्यूल की तरह ही ये वाला रहने वाला है। डेबिक्स मॉडल बी मिल जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा डेबिक्स इन्फिनिटी, ये एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर रहने वाला है। कुछ और भी इंडस्ट्रियल ग्रेड कंप्यूटर्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी सारे हैं। डेबिक्स मॉडल सी है यहाँ पे, बी पी सी करके है, एंड काफ़ी सारे इनके बोर्ड्स वगैरह हैं। यहाँ पे डेबिक्स मॉडल एस है, तो काफ़ी सारे इनके सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स रहते हैं जो कि इंडस्ट्रियल ग्रेड होते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके एड ऑन बोर्ड्स वगैरह भी लगे हुए हैं, एड ऑन बोर्ड्स भी ले सकते हो। ये कैरियर बोर्ड हो गया अपना, जो मैंने आपको कंप्यूटर मॉड्यूल दिखाया वो कंप्यूटर मॉड्यूल इस पे अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको कुछ एक्सेसरीज वगैरह मिल जाएगी, जैसे आपको ये एनक्लोजर मिल जाएगा, इसका हीट सिंक की तरह काम करेगा ये। एंड यहाँ पे पावर सप्लाई देख सकते हो, मेमोरी कार्ड देख सकते हो, डिस्प्ले देख सकते हो, डिस्प्ले वगैरह भी है। एंड कुछ और LCD डिस्प्लेज वगैरह यहाँ पे मैंशनड है, कुछ कैमरा मॉड्यूल्स मैंशनड है, तो ये सब आपको ओवरऑल यहाँ पे वेबसाइट में मिल जाएगा। बाकी कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हैं, डेबिक्स मॉडल ए, डेबिक्स मॉडल बी, एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये कुछ वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये ऐसे वेबसाइट वगैरह इनकी रहने वाली है। NPU एप्लीकेशन कर सकते हैं, एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वगैरह जैसे मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में चीज़ें लिखी हुई है, तो वही सब एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे देख सकते हो। कि न्यूरल प्रोसेसिंग उसमें यूज़ कर सकते हो, कि AI ML का कोई काम है तो आप उसमें इसको बोर्ड को यूज़ कर सकते हो। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है जैसे CNC मशीन्स हो गई, बहुत सारी मशीन्स वगैरह होती हैं इंडस्ट्रियल उसमें, तो वहाँ पे ये सब कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं बेसिकली। एंड चलो फिर जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि इसमें विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर के डिपार्टमेंट में लिखा हुआ है डेबिक्स OS। डेबिक्स OS जो है ये उबंटू बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड यहीं से आपको जो इसकी सिस्टम फाइल मिल जाएगी, यहाँ से आप सिस्टम फाइल में जाएँ और यहाँ पे आपको मिल जाएगा विंडोज़ 10 IoT एंटरप्राइज वर्जन। यहाँ पे आपको उबंटू भी मिलता है। नेक्स्ट आपको योक्टो करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भी लिनक्स बेस्ड रहने वाला है, वो भी मिलता है। एंड यहाँ पे विंडोज़ तो मिलता ही है, साथ के साथ आपको विंडोज़ एंड्रॉयड 11 साथ में मिलता है। तो यहाँ पे विंडोज़ 10 आपको सिंपली, अभी जैसे मेरे पास EMMC मॉड्यूल वाला वर्जन है तो मैं बूट फ्रॉम EMMC वाला डाउनलोड करूँगा। एंड अगर आपके पास नॉन EMMC वाला है या सिर्फ आपको सिर्फ SD कार्ड से इंस्टॉल करना है तो आप SD कार्ड से इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अभी मैं करता हूँ EMMC वाला डाउनलोड, मुझे क्योंकि EMMC से इसको यूज़ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, एंड यहाँ पे मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो ये ओवरऑल कुछ वेबसाइट रहने वाली है इनकी, यहाँ से आप इनका उबंटू भी डाउनलोड कर सकते हो, एंड योक्टो लिनक्स जो आता है एंड्रॉयड भी डाउनलोड कर सकते हो जैसे जैसे मैंने बताया। एंड अगर आपको कुछ भी इशू आ रहा है इंस्टॉलेशन में तो इनकी YouTube इंस्ट्रक्शन भी काफ़ी, इनके चैनल में आपको शो कर देता हूँ, भी चैनल भी है इनका, तो यहाँ से आप YouTube इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। डेविक्स मॉडल ए के बारे में लिखे हुए, जैसे POE लगा सकते हैं तो उसके बारे में बताया हुआ है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मैंशनड है। तो ओवरऑल कुछ ये वेबसाइट रहने वाली है। एंड नेक्स्ट जो स्टेप रहने वाला है आफ्टर डाउनलोडिंग, ये अराउंड अराउंड मेरा है 5.2 GB का ये विंडोज़ रहने वाली है, तो मैं अराउंड अराउंड 32 GB ऑफ मेमोरी कार्ड यहाँ पे लूँगा। एंड जो अपना बेलेना अचर आता है, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आपको दिखाया है बेलेना अचर, तो इस पे सिंपली आपको जाके इसको फ्लैश करना है बेलेना अचर पे, तो वहाँ से फ्लैश करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी मैंने हार्डवेयर वगैरह आपको दिखाई दिए हैं इसके। डेबिक्स मॉडल ए ये रहने वाला है, ये कुछ वेबसाइट रहने वाली है, यहाँ पे चीज़ें मैंशनड है। चलो मैं जल्दी से डाउनलोड होते ही मैं अपना बेलेना अचर से जल्दी से उसको फ्लैश करता हूँ और आपको विंडोज बूट करके दिखाता हूँ कि विंडोज कैसे काम करेगी इसमें और क्या क्या हिसाब किताब रहता है विंडोज का। 2000 years later. तो यहाँ पे मैंने डेबिक्स मॉडल में विंडोज बूट कर ली है, यहाँ पे पेनड्राइव देख सकते हो, पेनड्राइव के थ्रू विंडोज मैंने इसमें डाली है। सो जल्दी से अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ जल्दी से। चलो यहाँ पे लाइट चल चुकी है एंड डिस्प्ले भी ऑलमोस्ट आने ही वाली होगी। यहाँ पे लाइट चल चुकी है, यहाँ पे डिस्प्ले आ गई, देखो विंडोज का लोगो आ गया। जस्ट टू इंश्योर देखो यहाँ पे HDMI है, HDMI मेरी इसमें गई एंड ये कनेक्ट कर दिया है मैंने यहाँ से, तो यहाँ पे विंडोज बूट हो रहा है। जल्दी से इसको आपको दिखाता हूँ कैसे विंडोज का हिसाब किताब इसमें मिलता है, क्या क्या यूज कर सकते हैं और क्या क्या परफॉर्मेंस वगैरह इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या मतलब कितना कैपेबल है ये चीज़ कि आप
कितना मतलब रेगुलर डे टू डे में यूज कर सकते हो या फिर सिर्फ प्रोजेक्ट्स में ही यूज कर सकते हो। तो जल्दी से आपको बताता हूँ, बताते बताते विंडोज भी बूट हो गए हैं, यहाँ पे सर्कल आ गया है, जल्दी से होने देते हैं इसको, फिर आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ क्या क्या करना है। यहाँ पे विंडोज आप देख सकते हो, विंडोज लोड हो चुका है, ये डेविक्स मॉडल ए है, एंड यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं बेसिकली। देखो अभी मैं यहाँ से दिखाता हूँ, लाइक स्टार्ट करता हूँ माउस को, और यहाँ पे मेरे लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा विंडोज IoT एंटरप्राइज वर्जन, टेस्ट मोड पे है ये। तो यहाँ पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, बाकी USB लगा हुआ है, थोड़े बहुत कुछ और फीचर्स हैं, नोटिफिकेशन वाला फीचर है, विंडोज 11 है जैसे, हाँ जी विंडोज 11 है ये, और फीचर्स वगैरह सारे ही हैं इसमें। आज की डेट शो हो रही है, बाकी ये सब शो हो रहा है। इसमें मैं पहले अभी इथरनेट केबल लगा देता हूँ, और बाकी आपको एक बार यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि स्टार्ट मेन्यू में क्या क्या मिलता है। स्टार्ट मेन्यू बिल्कुल बेसिक है, ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है, कॉर्टाना वगैरह आता है और कुछ कुछ अदर फीचर्स वगैरह आते हैं, वो सब इसमें नहीं है, बिल्कुल बेसिक वाला है ये। एक बार फाइल एक्सप्लोरर आपको दिखा देता हूँ, पिक्चर्स का ऑप्शन है, सेटिंग का ऑप्शन है, पावर ऑफ का ऑप्शन है, तो ये जो नॉर्मल सिंपल जैसे विंडोज में रहता है वही सब है, और काफी स्मूथ है विंडोज तो, स्मूथ है Ubuntu से ज्यादा स्मूथ मुझे विंडोज लगी, क्योंकि सब कुछ अगर मैं कुछ रिस्पॉन्सिव है, ऑलमोस्ट अच्छी खासी रिस्पॉन्सिव है ये। यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम में आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आपको सिस्टम वगैरह मिलता है, और अबाउट में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो डेस्कटॉप लिखा गया है, प्रोसेसर देख सकते हो जो मैंने बताया था IMX8MP 1.6 GHz पे 8 GB की रैम डली हुई है, बाकी ये सारी आर्म बेस्ड प्रोसेसर देखो यहाँ पे 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम आर्म बेस्ड प्रोसेसर पे ये विंडोज चल रहा है। मेरे चैनल पे पहली वीडियो रहने वाली है जो आर्म बेस्ड प्रोसेसर पे मैंने कोई विंडोज चलाया है, जो रास्पबेरी पाई भी सपोर्ट करता है विंडोज 10 IoT, बट ये वाला जो है ये पहला है जो अभी विंडोज सपोर्ट करता है IoT पे, मतलब विंडोज सपोर्ट करता है ऐसे सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स पे, बिल्कुल छोटे छोटे से चलाते हैं। सो जल्दी से मैं इसमें इथरनेट कनेक्ट करता हूँ और वीडियोज वगैरह चला के दिखाता हूँ, और कितना हीट वगैरह, हीट तो चलो हाँ हीट तो हो रही है, हीट हो रहा है, और चलो विंडोज चलाते हैं इस पे, वो चलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना इथरनेट केबल लगा दिया है एंड फाइल एक्सप्लोरर खोला है, और पूरा अच्छा खासा रिस्पॉन्सिव है, देखो कितनी आराम से खुल गया है, यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर खुल गया है। जल्दी से मैं यूट्यूब सर्च करता हूँ और आपको ले चलते हैं यूट्यूब पे, ये मैंने यूट्यूब यहाँ पे सर्च कर लिया है, और देखो बिल्कुल स्मूथ है, जैसे नॉर्मल एक पीसी चलता है वैसा ही चल रहा है, कोई लैग मुझे फील नहीं हो रहा है, बहुत स्मूथ चल रहा है ये। 1.8 GHz होता है तो थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस मिलता, बट ये 1.6 भी कम नहीं है, 1.6 पे भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मुझे विंडोज पे दे रहा है बेसिकली। Ubuntu पे भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी उस टाइम पे, बट विंडोज पे तो बहुत स्मूथ चल रहा है ये, मतलब पहले से बहुत स्मूथ है, आई डोंट नो कैसे है, बट काफी ज्यादा स्मूथ ये चल रहा है। जल्दी से अपना चैनल सर्च करते हैं, हाँ तो यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम सर्च कर लिया है, और देखो खुल गया है, यहाँ पे चैनल भी खुल गया है, वीडियो चलाते हैं अपनी कोई, ये वाली वीडियो चलाते हैं जो लेटेस्ट ही अपलोड हुई थी। यहाँ पे टास्क मैनेजर देख सकते हो, टास्क मैनेजर में लिखा हुआ है CPU 1.6 GHz का है, मेमोरी 5.5 दिखा रहा है क्योंकि शेयर करी हुई है इसने, डिस्क वन डिस्क जीरो दिखा रहा है, इथरनेट दिखा रहा है 2.2 12 MB/s 15 MB दिखा रहा है, उठा रहा है, एंड GPU यहाँ पे दिखा रहा है, IMX GPU लगा हुआ है इसमें। ओवरऑल देख सकते हो वीडियो भी काफी स्मूथ है, Ubuntu से ज्यादा स्मूथ है विंडोज पे, देखो कितनी स्मूथ चल रही है विंडोज पे, 1080p पे सेम है दोनों की परफॉर्मेंस वाइज, तो ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब इतना ज्यादा फर्क नहीं है, बट विंडोज थोड़ा सा आपको स्लाइटली बेटर साइड मिलेगा क्योंकि स्मूथनेस यहाँ पे ज्यादा है। और एक बार इसमें एंड्रॉइड वगैरह भी चला के दिखाऊंगा, बट वो आगे किसी वीडियो में दिखाऊंगा, बाकी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, और इसकी जो डीप डाइव इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा मतलब रिव्यू है, वो मैं आगे की वीडियोस वगैरह में दूंगा, इसका अच्छे से टेस्ट करूंगा, गेम्स भी इस पे स्टीम इंस्टॉल करके देखूंगा कुछ दिन बाद, क्योंकि आया तो अभी है ये बोर्ड, एक दो दिन ही हुआ है ये बोर्ड को, तो अभी इसमें विंडोज इंस्टॉल है, जैसे इसमें अभी स्टीम इंस्टॉल करूंगा मैं, स्टीम पे कुछ गेम्स वगैरह चला के देखूंगा, पबजी वगैरह देखते हैं चलती है कि नहीं, क्या कैसे चलता है, और वीडियो को यहीं तक रखता हूँ आज के लिए। डोंट फॉरगेट टू कोर को मत भूलना, कोर चेकआउट जरूर करना, कोर कुछ इस तरीके का दिखता है, सिर्फ 350 rupees में मैं आपको कोर की चेन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्री होम डिलीवरी के साथ, इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आगे और भी मजेदार वीडियो इस बोर्ड के ऊपर भी लाऊंगा, बाकी और भी बहुत सारे सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स है उसके ऊपर भी लाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। बाकी इस पे भी एंड्रॉइड भी सपोर्ट करता है और Yocto Linux भी सपोर्ट करता है, तो एंड्रॉइड की और Yocto वगैरह की परफॉर्मेंस वाली वीडियो भी मैं आगे अभी जल्दी ही लाने की कोशिश करूंगा। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रख, आप सब मस्त रहना, और चलो फिर वीडियो को यहीं पे बंद करता हूँ, बाय।